तो भाई देखो यार, अगर हर हफ्ते पैसा कमाना चाहते हो, यहाँ पे कंपनी हर हफ्ते आपको पैसा देगी, साथ ही साथ यहाँ पर काम करने पर वीकली पेमेंट तो मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा माइंड में सवाल आ रहा है। यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर एवरेज कमाते हैं महीने के लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं, मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। इससे कम भी हो सकता है, मान लीजिए 50 से 70 के बीच में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए 70 से 1 के बीच में। तो इसलिए एवरेज लेके चल रहे हैं कि लगभग 70 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर एक तो हमें हर हफ्ते पैसा मिलेगा, दूसरा पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको पर डे में हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 2200 से 2300 रुपये हर दिन आपको मिल सकते हैं। तो पूरा महीना काम करोगे तो लगभग 70 हज़ार रुपये कमा लोगे और पैसा आपको वीकली यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। कोई 7 to 8 आवर्स की जॉब नहीं है, ये काम ऐसा है जो आप खुद के बॉस होंगे, आपको किसी की नहीं सुननी है। जब आपका मन करे तब आपको काम करना है, जितनी देर आपका मन करे उतनी देर आपको काम करना है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने काम आज क्यों नहीं किया, भाई मेरा मन है मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो काम करना है वो आपको करना है, जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अब ये जो वेबसाइट है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये बाहर की वेबसाइट है, पहले इंडिया के लिए बहुत कम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकलती थी, लेकिन इस बार इंडिया के लोगों के लिए भी काम निकला हुआ है। तो लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अर्निंग करना शुरू करें। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर हमें अर्निंग नहीं हो पाती है, हम क्या करें, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेता हूँ कि काम क्या है, क्योंकि मेन तो देखो काम है, काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। काम यहाँ पर क्या है, काम यहाँ पर बहुत सिंपल है यार। आपको देखो जैसे कि कोई एक वीडियो क्लिप किसी की है, या कोई एक ऑडियो क्लिप है, या आपको एक PDF फाइल मिलेगी जहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, आपको क्या करना है उस इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसे देखकर समझकर या फिर कॉपी कर आपको उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी के अंदर। देख लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, क्योंकि देखो किसी से बात थोड़ी ना करनी है, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर समझना है और उसको कॉपी कर पेस्ट कर उसको कन्वर्ट कर लेना। देखो कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो गूगल पे आपको ऐसे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो कन्वर्ट कर आपको दे देते हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि कैसे ये सारा काम करना है। अब आप ये सोचोगे कि अगर ये काम गूगल पे अवेलेबल है तो कंपनी फिर हमें क्यों दे रही है, सोचने की बात तो है। अब देखो यार, गूगल पे तो है, लेकिन जब तक कोई उसे गूगल पे डालेगा नहीं तब तक ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट थोड़ी ना करेगा। गूगल को क्या पता है भाई आपको क्या चाहिए, जब आप उसे बताओगे कमांड दोगे तभी वो करके देगा। तो इसका मतलब कि एक बंदा तो चाहिए ना ये सारा काम करने के लिए, तो कंपनी किसी को हायर क्यों करे, वो तो जितना उनके पास काम है उसको सीधे कहे काम करके दो और उसके बदले पैसे ले लो। कंपनी ये पॉलिसी अपनाती है जिसे हम फ्रीलांसिंग वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कोई परमानेंट बंदा नहीं रखती है, वो तो जैसे ही उनके पास काम आता है वो काम आप लोगों को दे देती है, आप उस काम को करके देते हो, वो आपको पैसा दे देती है, दैट्स इट। तो इसलिए कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होता है, इसलिए ये कंपनी ऐसी वेबसाइट्स को ये काम देती है। और जो ये वेबसाइट है ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि मैंने इसको हर जगह चेक किया है, अमेजिंग इसके रिव्यूज़ हैं, ट्रस्ट पायलट पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं इसको। तो हर तरीके से ये वेबसाइट नंबर वन वेबसाइट है अगर आप काम कर पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्री का पैसा मिले तो भाई फिर तो आपको गेम ऐप्स देखनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस चट ऐसे करें और पैसा आ जाए, ऐसे पैसा नहीं आता, काम करके देना पड़ता है तभी आपको पैसा मिलता है। अब बिना देरी के मैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा, इस जॉब की पूरी डिटेल्स बताऊँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। साथ ही साथ देखो यार, मेरे चैनल पर डेली गिव अवे होता है, तो आपको देखो करना क्या है, सिंपल सा है। जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आपको गैस करना है कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आने वाले हैं, जिसका गैस सबसे नियर बाय होगा वो हमारा लक्की विनर होगा, उसको मेरी तरफ से 100 रुपये कैश मिल जाएगा। बट ये आपको वीडियो पब्लिश होने के 2 घंटे के अंदर बताना है।
अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए ये जो जॉब निकली हुई है, ये जो आज मैं वर्क आपको बताने वाला हूँ, रेव की तरफ से है। अगर आप रेव के बारे में नहीं जानते, गूगल पर सर्च करना, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो आपको टाइम टू टाइम इस तरह का काम देती रहती है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे जो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको वीकली पेमेंट मिलेगी, यानी कि जो भी पैसा आप कमाएंगे उसको आप वीकली डायरेक्टली आप अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं, तो देखिए एवरेज दी गई है, यानी कि इतना तो यहाँ पे हर कोई कमा लेता है पर मंथ $958। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डॉलर टू INR करके कि $958 कितना होता है। यहाँ पे देखिए $958 का मतलब हो गया लगभग ₹80,000 महीने के, और अगर मैं इसको पर मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 2200 से 2500 आपको एक दिन का यहाँ पर डेली के डेली आप कमा सकते हैं रेव की तरफ से। साथ ही साथ ये कंपनी आपको यहाँ पर देखिए फ्री सॉफ्टवेयर भी देती है जहाँ पर आप एडिटिंग करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के लिए, तो यानी कि हर तरीके से ये काम एकदम आपके लिए परफेक्ट है। और देखिए काम क्या है, यहाँ पर क्लियरली मैंशन है बिकम अ सब टाइटलर विथ रेव। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका काम होने वाला है वो सब टाइटलिंग का होने वाला है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी टाइटल चलता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है अपनी लैंग्वेज में, बस ये यहाँ पर आपका काम होने वाला है। और इसका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए पूरे प्रोसीजर में बहुत ही कम टाइम लगता है जहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे कौन सी कंट्री आपकी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले देखिए रेव की अगर मैं बात करूँ, देखिए आपको गूगल पे मैं आपको रेव के बारे में दिखा देता हूँ कि रेव कैसी कंपनी है। यहाँ पर रेव आप सर्च करेंगे, देखिए ये रही रेव, फ्रीलांसर जॉब्स देती है। कहीं भी आप रहते हो, किसी भी कोने में आप रहते हो, यहाँ पर इस तरह का वर्क निकलता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देखिए इंडिया के लिए अभी यहाँ पर वर्क नहीं है, वी आर नॉट करेंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम योर लोकेशन, बट ये दूसरा वर्क है जो कि फ्रीलांस का है, तो फ्रीलांस में अभी ये वर्क बंद है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका काम है वो सब टाइटलर का है, तो वो यहाँ पर अभी ऑन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वर्क्स मिलते हैं, बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर वीकली पेमेंट्स तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट्स की कि ये वेबसाइट कैसी है, कहीं स्कैम तो नहीं है, तो स्कैम चेकर पे मैं जाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट को कितने ट्रस्ट स्कोर मिले हुए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर rave.com मैं आपको दिखा देता हूँ। rave.com यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट का रिव्यू करने के लिए दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट ट्रस्ट रेटिंग इज हाई माइट बी सेफ। तो यहाँ पे देखिए 100 में से 100 आउट ऑफ स्कोर मिले हैं, और यहाँ पे देखिए 6,324 रिव्यूज इस वेबसाइट को दिए गए लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये वेबसाइट जेन्युइन है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो ये वेबसाइट आपको अर्निंग भी देती है। अब ये देखिए सारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे सिर्फ दो ही नेगेटिव हैं, जो कि बहुत ही रियर होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ट्रस्ट पायलट की, तो देखिए ट्रस्ट पायलट आप सबसे पहले यही कहते हैं कि ट्रस्ट पायलट पर चेक कराइए। तो यहाँ पर ट्रस्ट पायलट पर भी देखिए rave.com को कितने स्टार मिले हुए हैं, 4.0 ग्रेट इसको मिले हुए हैं, 6,284 रिव्यूज मिले हुए हैं। तो आप यार खुद से समझ के देख लो कि अगर किसी वेबसाइट को ट्रस्ट पायलट पे इतने अच्छे स्कोर मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट जेन्युइन है, और अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके का यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज, अब देखिए नेटिव लैंग्वेज में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप इंग्लिश सिलेक्ट करें, वो क्यों उसके पीछे का रीज़न भी मैं आगे बताऊँगा। साथ ही साथ ये कह रहा है कि विच लैंग्वेज आर यू इंटरेस्टेड इन सबटाइटलिंग फॉर, यानी कि किस लैंग्वेज में आप सबटाइटल करना चाहते हैं। अब इंग्लिश से हम यहाँ पर किस में करना चाहते हैं, हिंदी में, जो कि बहुत आसान है। इंग्लिश में वहाँ पे लिखा होगा, उसको आपको सिंपली हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश डालनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज हिंदी डालते हैं कि आपको हिंदी आती है, तो देखिए हिंदी से कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश नहीं मिलेगी, और सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिल रही हैं लेकिन इंग्लिश नहीं मिल रही। तो इंग्लिश में फिर भी आसान है, जो बाकी लैंग्वेज है इसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। बट इसका भी सॉल्यूशन है कि इसके लिए आप गूगल
ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारी लैंग्वेजेस मिल सकती हैं। बट अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश वाली लैंग्वेज पे कर रहे हैं कि इंग्लिश में यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलेगा जिसको कि हमें हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। इसका बेनिफिट मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिकॉर्ड अ 1 to 10 मिनट वीडियो इन इंग्लिश, यानी कि 1 से 2 मिनट की वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है इंग्लिश में, और उसमें आपको क्या बोलना है, व्हाट द मूवी अबाउट, की मूवी किसके बारे में है, हाउ डज इट एंड, इसका एंड कैसे हुआ था, और आपको ये मूवी क्यों पसंद है। ये टॉपिक पे आपको 1 से 2 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अब देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पहले ये टॉपिक को तैयार कर लेना है। तैयार करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर लो किसी भी मूवी के बारे में और उसमें ये चीज़ें मेंशन कर दो। उसके बाद उसको कहीं पर लिख लो और जब कैमरे के सामने आप जब बोलोगे तो उस पर्चे को कैमरे के पास रख लेना ताकि आप उसमें से देख देख के बोल सको। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट की आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज मेक श्योर वी कैन क्लियरली सी यू इन द वीडियो, यानी कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसमें दिखने चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑडियो सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, तो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउज पे जाएंगे और जो भी आपके मोबाइल में जो भी वीडियो होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज रिकॉर्ड 1 to 2 मिनट वीडियो इन हिंदी। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट की वीडियो हिंदी में भी रिकॉर्ड करनी है जहाँ पर आपको होम टाउन के बारे में बताना है, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं उसमें आपको क्या क्या बताना है कि आप क्या पसंद था जब आप वहाँ पर पल, जो आपका जीवन बचपन था वो वहाँ पे आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद था, और उसके बाद बताना है व्हाट आर सम थिंग्स टू डू और सी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे या देखना चाहते थे। उसके बाद व्हाट आर पॉपुलर फूड्स इन द एरिया, आपके एरिया के अंदर कौन से जो फूड्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये तीनों भी आपको हिंदी में 1 से 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बोलनी है। अब देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब ये दोनों चीज़ें आप फुलफिल करोगे। यहाँ भी आप ब्राउज में जाओगे और सेम तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर यहाँ पे सबमिट कर दोगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद रेव की तरफ से आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर कन्फर्मेशन मेल आएगा। अब देखिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड देखिए एक तरीका भी बता देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ। लाइव आपके सामने एक मैं डेमो करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ऑन कर लेता हूँ। चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है और मैं कहूँगा, इसको बताऊँगा कि किसके बारे में मुझे लिखना है। अब यहाँ पे ये हमसे क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था टेलिंग अस अबाउट मूवी यू लाइक, मूवी यू लाइक। बॉलीवुड ये मैंने लिख दिया है और इसको दे दिया। 1 बॉलीवुड मूवी दैट यू माइट इंजॉय इज 3 इडियट्स। अब ये देखिए सारी चीजें लिखी हुई आ गई। अब मुझे ये देखकर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं इसको अपने मोबाइल पे क्लिक कर लूंगा ताकि मैं उसमें से देख देख के बोल सकूं। तो मोबाइल पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको देख देख के रिकॉर्ड कर बोल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए मोबाइल से अपने क्लिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे। अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूँगा अपने कैमरे से ही, रिकॉर्ड कर इसमें जो भी लिखा है वो मैं बोलूँगा। तो मैं अपने कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, अपने मोबाइल कैमरे को, और उससे ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सामने मेरा ये चैट जीपीटी वाला ऑन कर लेता हूँ। वीडियो मैंने यहाँ पे ऑन कर ली है। अब मैं यहाँ पर वीडियो ऑन कर बोलूँगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे मेरी ये मोबाइल स्क्रीन आ गई है, मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर देखिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं वही सब चीज़ें पढ़ूंगा जो मेरे सामने लिखी हुई हैं। 1 बॉलीवुड मूवी दैट यू माइट इंजॉय इज 3 इडियट्स। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एट एन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप और एंड फ्लोज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। द मूवी एंड्स ऑन अ हार्ट वार्मिंग नोट वेयर द रैंचो प्लेड बाय आमिर खान यूनाइट्स विद द
friends and mentors, and they reflect on their journey and the importance of following one's dreams rather than conforming to social pressures. I like 3 Idiots because of its well-written storyline, brilliant performance by the cast, and its message about the importance of pursuing one's passion and finding true happiness in life rather than blindly chasing success according to society standards. Additionally, the humor of emotional depth of the film makes it a truly enjoyable watch. अब देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है. रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सीधे सबमिट करूँगा. तो पहले मैं इसको सेंड कर देता हूँ ताकि ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे आ सके. तो लाइव देखिए, मैं आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है गाइज, कि आपको कोई परेशानी ना हो. अब मैं इसको लाइव अपने सिस्टम में अपडेट कर देता हूँ. तो ये देखिए, ये जो फाइल थी मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है. ये देखिए मेरी MP4 फाइल बन चुकी है. अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा. अपलोड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे ब्राउज दिया गया है, ब्राउज पे मैं जाऊँगा और जहाँ भी ये सेव होगा, जैसे कि आपके भी मोबाइल पे सेव होगा, वहाँ पे आपको जाके ब्राउज पे जाके इसको सबमिट कर देना है. ये ब्राउज पे देखिए मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे वो फाइल अपलोड करनी है. तो मैं प्लस पे जाऊँगा यहाँ पर, और देखिए ये मेरी वो फाइल थी, ये रही. इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा. अब यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन मुझे मिला है. मैं अपलोड के ऑप्शन पे चला गया और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर अब मैं इसको यहाँ पर, ये मेरी सेव होगी. 26 MB की ये फाइल है, लगभग 1 मिनट 32 सेकंड की ये पूरी टोटल फाइल है. अपलोडिंग हो रही है. जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव मैं दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ सको किस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है. वो लाइव मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ. अब यहाँ पे जैसी ही पूरी अपलोडिंग हो जाएगी, अपलोडिंग होने के बाद फिर मुझे हिंदी का भी एक रिकॉर्ड करना होगा. तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, 26 MB पूरा हो गया है. और यहाँ पे देखिए मेरी फाइल भी अपलोड हो गई है. अब दूसरा कह रहा है कि आपको बताना है होम टाउन के बारे में, जहाँ पे आप पले बड़े हैं, और क्या आपको वहाँ पे देखना था वो यहाँ पे आपको बताना है. तो मैं यहाँ पर फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपने कैमरे की और लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ. तो मेरा जो होम टाउन है वो नैनीताल है, और नैनीताल जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से घिरी हुई वादियां हैं और मेरा बचपन वहीं बीता है. नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो वहां का जो सबसे बढ़िया मुझे एटमॉस्फेयर लगता है वो है वहां का नेचर. जी हाँ, पहाड़ों से घिरा हुआ, जहाँ पर ठंडी हवाएँ हमेशा चलती रहती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर एक झील भी है, बहुत बड़ी नदी है जिसको हम नैनीताल के नाम से जानते हैं. अगर मैं बात करूं तो मुझे वहां क्या पसंद आया था, देखिए बचपन से हम पहाड़ों पर रहे हैं तो वहां की मिट्टी और वहां की जो ग्रीननेस है, जो वहां की वातावरण है, जो वहां के पेड़ पौधे हैं, वहां के फल हैं, वो सब चीज़ नेचुरल है. वो कोई आर्टिफिशियल या किसी दूसरे तरीक़ों से बनाया गया नहीं है. प्राकृतिक वहाँ पर आपको पानी मिलता है, प्राकृतिक वहाँ पर हवा आपको मिलती है. अब मैं बात करूं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं वहां करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं, तो देखिए मैं वहां पर चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए वहां पे कोई रोज़गार खोल सकूं, क्योंकि पहाड़ों पे रोज़गार बहुत कम है, जिसके लिए कि लोग पहाड़ों से निकल रहे हैं और शहरों की तरफ जा रहे हैं. तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं वहाँ पर कुछ रोज़गार खोल सकूँ जिससे कि वहाँ के लोग वहीं पर रह सकें. अगर मैं फ़ूड्स की बात करूँ तो देखिए नैनीताल के अंदर बहुत सारे फूड्स हैं, लेकिन हमारा जो सबसे फेवरेट फूड्स वहाँ पर है वो है वहाँ पर पकौड़ी और रायता. जी हाँ, पकौड़ी और रायता जो है वहाँ का फेमस है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कभी नैनीताल जाएँ तो वो वहाँ पर आप ज़रूर लें. साथ ही साथ एक बाल मिठाई होती है जो कि वहाँ की बहुत ही फेमस होती है. जैसे कि यहाँ पर दूसरी फाइल भी मेरी जो है मैंने कंप्यूटर में सेव कर ली है. अब मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ और यहाँ पे उस फाइल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब देखिए जो पहली वाली थी वो एक 36 की, एक 35 की थी, ये एक 36 की हुई है. इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे चला जाता हूँ और इस फाइल को भी यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ. अब देखिए 83 MB की ये फाइल है, और जल्दी से जैसी ये अपलोड हो जाती है तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसीजर. ये लाइव मैंने आपको दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं. पहले मैंने आपको इंग्लिश में बताया किस तरीके से आपको किसी मूवी के बारे में रिकॉर्ड करके बताना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको बोलना है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है. उसी तरीके से फिर हिंदी में होम टाउन के बारे में बताना है, किन किन टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड करना है वो यहाँ पर दिए गए हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बोलें तो आपका फेस कैमरे के सामने होना चाहिए, नहीं तो आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा.
तो ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड आपको कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको रिकॉर्ड करनी है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मैं आगे दिखाता हूँ कि कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसको अपलोड का फॉर्म आ जाएगा। ये अपलोड कंप्लीटली हो जाएगा, अपलोड होने के बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। लाइव देखिए आपके सामने सारी चीज़ें चल रही हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको सामने शो कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 83 MB होते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए 83 MB हो चुका है और ये फाइल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद आ गया, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर फ्रीलांस सबटाइटल पोजीशन ऑफ टेकिंग योर टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन। वी रिव्यू एवरी एप्लीकेशन, वी विल रिव्यू सून एज सून पॉसिबल। इफ वी चूज टू मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन, वी विल रिसीव एडिशनल ईमेल। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो सब पे ये बहुत जल्दी चेक करते हैं सबको, और अगर आपका यहाँ पे सब कुछ ठीक होता है तो फिर ये आपको एक ईमेल भेजते हैं, उसमें ये सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब लाइव मैंने आपको दिखा दिया है, अप्लाई ज़रूर करना है क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इंडिया के लिए ये ओपन होती है, अभी ओपन हो चुकी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करो। अगर मेरे पास मेल आती है तो मैं इसके आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में भी बताऊंगा, जिसके लिए मुझे वेट करना होगा। तो अभी आपका काम यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना है, नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी जल्दी जरूर बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करके बोलेंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है, और अगर इस काम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखो यार, ये जो वेबसाइट है बहुत लंबे टाइम तक के लिए इंडिया के लोगों को काम नहीं देती, पहले बता रहा हूँ। हो सकता है आज इस वीडियो को आप देख रहे हो, 10 दिन बाद देखोगे तो ये काम यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग अर्निंग करनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मिस नहीं करना है। वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी से अभी जिस तरीके से बताया उस तरीके से वर्क कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ज्वेलरी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।